हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 24 मई 2019 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसमें आरआरबी जेई एग्ज़ाम्स 2019 में के में इस तरीके के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आए पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये पीएच वैल्यू से ज़रूर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये इधर सब्सटेंस है और इधर इनके पीएच वैल्यू है। प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। ओके, एग्जैक्ट 7 होता है प्योर वाटर का पीएच वैल्यू। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45। सी वाटर का 7.5 से 8.4। अमोनिया का 10.6 to 11.6। मिल्क 6.5 to 6.7। नॉर्मल रेन 5.6 to 6। एसिड रेन का कितना होता है? 2 to 5.6। ह्यूमन यूरिन का 6, ब्लैक कॉफ़ी का 5, बियर्स 4.5, वाइन्स का कितना होता है? 2.8 to 3.8। ये इतने पीएच वैल्यू होते हैं। विनेगर का होता है 2.9, लेमन जूस 2.4। नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, ये गवर्नमेंट एजेंसी का नाम है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका प्रतिस्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। स्टूडेंट्स, ये इस तरीके के क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते हैं। तो ये देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये 6 अगस्त 1952 में हुआ था। फर्स्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के फर्स्ट सीएम कौन थे? यशवंतराव छावन। ओके, यशवंतराव छावन वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक कि खांडवी जो होता है, ये फेमस डिश है। खांडवी फेमस डिश है कहाँ की? किस स्टेट की? तो गुजरात की। खांडवी इज अ फेमस रेसिपी, फेमस डिश फ्रॉम विच स्टेट? तो इज द फेमस डिश फ्रॉम गुजरात। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द रशियन फेडरेशन, वॉज कन्फर्ड अपॉन पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द रशियन फेडरेशन, वॉज कन्फर्ड अपॉन नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, स्कर्वी जो डिजीज़ होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, स्मोग इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, स्मोक और फोग। ओके, स्मोक और फोग धुएँ और धुंध दोनों से ये इसकी व्युत्पत्ति होती है। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्मोग किससे कॉज होता है? स्मोग इज कॉज्ड ड्यू टू इमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम इंसिनरेटर्स एंड ऑल पेंट्स के जो ये क्या होता है, ऑल पेंट्स जब ये निकलते हैं वेस्ट फॉर्म में, उनसे आपका इंसिनरेटर से भी निकलता है और व्हीकल से जो धुएँ बाहर निकलते हैं, इमिट होते हैं, तो ये इन सभी के थ्रू स्मोग बनता है। ठीक है, स्मोक कॉज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। हु हैड क्वाइंड द टर्म स्मोक, स्मोक टर्म किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हेनरी एंटोनी गिव द टर्म स्मोक। नेक्स्ट, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओजोन इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग, मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग इन चारों में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ए मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय द स्मॉग। ये इतने सारे ये डिजीज हैं, रिकेट्स, थोराइड कैंसर, स्किन कैंसर और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सारे डिजीज कॉज्ड होते हैं स्मॉग से। ठीक है, इनमें से कौन से डिजीज स्मॉग से कॉज्ड होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, रिकेट्स, थोराइड कैंसर एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ये जो तीनों हैं ये स्मॉग के थ्रू होते हैं, बट स्किन कैंसर इज नॉट फॉलोड बाय द
caused by the smog. Okay, so option number D is the right answer. First, second and fourth. Next, देखिए excess of fluoride in drinking water causes. फ्लोर एक्सेस ऑफ जब ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो क्या होता हो जाता है, कौन सा डिजीज़, ये फ्लोरोसिस डिजीज़ हो जाता है, कॉज होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताजमहल. ताजमहल का ये जो ये ताजमहल पूरा इसमें पीलापन हो रहा है उसकी बिल्डिंग में, तो उसके लिए इसमें इनमें से क्या कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, एसओ टू गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग येलो ताजमहल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स. एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी है, इट मेजर्स ओजोन लेवल इन योर एरिया. ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ये मेजर करता है कि ओजोन लेवल कितना है पर एरिया. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस विल बी टेकन टू सर्वाइव व्हेन ओजोन लेवल इज हाई. जब ओजोन लेवल हाई हो जाता है तो किस किस तो क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए सर्वाइवर के लिए, तो ड्राइव लेस, कम ड्राइव कीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए, अवॉइड यूजिंग गैस पावर्ड इंजन्स. ठीक है, यो गैस पावर्ड इंजन को अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने से. तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव. ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये सभी प्रिकॉशंस करने चाहिए जब ओजोन लेवल हाई हो जाता है. तो प्लांट मेक फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और वाई रेड लाइट यूज्ड इन सिग्नल रेड कलर हैज हाई हर्ट वॉल लेंथ. ओके, वाई रेड लाइट यूज्ड इन सिग्नल रेड कलर, तो हैज हाई हर्ट वॉल लेंथ, ये हो गया राइट आंसर स्टूडेंट्स. तो ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैनल पर ये जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ हमेशा अपलोड की जाती है, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. आप लोग अपने नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, और इस वीडियो को स्टूडेंट्स जरूर से एक लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में अपने ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके उनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वालिफाइड करने के लिए. ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe this channel and share in your friends. Thank you.